बेसिक जैपनीज को सीखते समय जब हम आगे की फॉर्म्स में बढ़ते हैं, जैसे कि प्लेन फॉर्म, ते फॉर्म, तो उनसे बनने वाले एक्सप्रेशंस को हम सीख नहीं पाते, या फिर हमारे पास एम्पल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, या फिर हमारे पास वो सॉलिड एग्जाम्पल्स नहीं होते जो कि हमें एक बार में ही वो पैटर्न सिखा दें। तो इस वीडियो से मेरी पूरी कोशिश है और मेरी टीम की कोशिश है कि आपको ते कारा पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपने ते फॉर्म सीखी हुई है तो उसके बाद सिर्फ कारा ही लगाना है, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको सुनना ज़रूरी है। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। भविष्य सोम न्योंगो मैक्स, आज हम दोबारा आ गए हैं वापस जापनीज की छोटी मोटी ऐसी जो चीज़ें हैं जो बिगनर्स को कंफ्यूज करती हैं, उनका डिफरेंस जानने। आज हमारे पास दो डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो काफ़ी सिमिलर यूजेज के साथ अगेन है। वन इज कारा एंड अनदर वन इज ऑल्सो कारा, दोनों ही कारा है। डिफरेंस अब हम साथ में पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने सबसे पहली बार जब हम कारा से इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम कारा के यूजेज सीखते हैं से की तरह, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से या इस पर्टिकुलर पॉइंट से, पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, तो उसकी तरह यूजेज देखते हैं। जैसे यहां पर वाताशी वा जूजी कारा जूनी जी मादे निहोंगो ओ बेनक्यो शिमास, यानी मैं 10 बजे से 12 बजे तक जापनीज की पढ़ाई करता हूं। तो पॉइंट ए क्या हो गया, ये जूजी 10 o'clock, और पॉइंट बी क्या हो गया, ये जू निजी 12 o'clock। तो यहां पर जो कारा के यूजेज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट मादे यानी तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब वो कोई टाइम लिमिट भी हो सकती है और वो कोई जगह भी हो सकती है, बट जब हम धीमे धीमे N5 में आगे की तरफ जाते हैं तो कारा का एक और यूजेज आता है, विच इज ते कारा, जब हम ते फॉर्म पढ़ लेते हैं उसके बाद में। अब जब कारा को हम ते फॉर्म के साथ में कॉन्जुगेट कर देते हैं, जब मिला देते हैं, तो उसका मीनिंग भी काफी सिमिलर सा ही बन जाता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस चीज को करने के बाद में मैंने कोई दूसरी चीज करी। जैसे यहां पर गोहान ओ ताबे ते कारा, यानी खाना खाने के बाद एगा ओ मीमास, मूवी देखूंगा या देखता हूं। तो आज हमने इस कारा के दो डिफरेंट यूजेजेस पढ़े, एक में इसका मीनिंग है से और एक में इसका मीनिंग है, अगर हम हिंदी में समझने की आसानी से कोशिश करें, के बाद। मैं उम्मीद करता हूं आपने ते कारा पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और इसके साथ इसी तरह के अगर आपको पैटर्न्स को सीखना है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं nihongomax.com, जिस पर इन पैटर्न्स को मैंने और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया हुआ है।